चले। Of Adi Purush. Thank you. Good afternoon. कैसे हैं आप लोग? एक बात मैं बताऊं, मेरा रिएक्शन जो था जब मैं उस गैलरी से यहां आ रहा था, और ये मैंने पूरा खचा खच भरा हुआ राम का दरबार, अभी थिएटर नहीं है आज नितिन, आज ये श्री राम का दरबार है, जब मैंने ये थिएटर भरा हुआ देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई अंदर से। और खुशी इसलिए हुई कि हम फिल्म वालों को दोस्तों भरी हुई कुर्सियां देखकर वही खुशी होती है जो आज से 7,500 वर्ष पहले अपनी भरी हुई गोद देखकर मां कौशल्या को हुई होगी। हम उतने ही खुश होते हैं। आप जितनी चाहे तालियां बजा सकते हैं क्योंकि आज भगवान श्री राम का दिन है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और देखिए, यह दिन बहुत बड़ा है। यह दिन बड़ा क्यों है? यह दिन बड़ा इसलिए है, पहली बात कि भारत की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च होने वाला है, बस थोड़ी देर में आपके सामने। और यह दिन इसलिए भी बड़ा है कि आज से तकरीबन 26 साल पहले जो सपना अपनी आंखों में लिए आदरणीय श्री गुलशन कुमार जी भगवान शंकर के चरणों पर सर रखकर हमेशा हमेशा के लिए सो गए थे, आज उस सपने को पूर्ण आहुति मिलने वाली है। मैं गुलशन कुमार जी की मौजूदगी यहां इन खाली कुर्सियों पे देख सकता हूं अदृश्य रूप से, मुझे पता है वो यहीं कहीं हैं और अपने स्वप्न को विजयी होता देखकर मंद मंद मुस्करा रहे हैं। मैं चाहता हूं गुलशन कुमार जी की स्मृति के लिए एक बार ये पूरा थिएटर तालियां बजा दे। थैंक यू। और एक सवाल जो बहुत बार मुझसे पूछा गया, आपके मन में भी होगा कि भैया ये 2023 चल रहा है, 2023 यानी भगवान श्री राम को इस धरती पर आए, अपनी लीलाएं दिखाए तकरीबन 7,500 साल, नितिन तकरीबन 7,500 वर्ष बीत चुके हैं, तो 7,500 वर्ष बाद ये कहानी दोहरानी जरूरी क्यों है? क्यों आपको राम कथा सुनाई जा रही है और क्यों आप सुने? बहुत सीधा सा उत्तर है साथियों के, राम के आदर्शों पर चलने की जितनी जरूरत हमें आज है वो शायद पहले कभी नहीं थी। आज देखिए भारत कहां खड़ा है, मेरा और आपका देश। हमने अभी सुना कि ब्रिटेन को पछाड़ कर हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। तालियां बजाइए अपने भारत के लिए। और विश्व मंच पे देखें तो हम अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी महाशक्तियों के साथ बराबरी के दर्जे पे खड़े हुए हैं। यानी भारत विश्व गुरु बनने का सपना बड़ी रफ्तार से, बड़ी तेजी से देख रहा है, और ये सपना तब तक सच नहीं हो सकता जब तक इस देश का बच्चा बच्चा राम में ना बदल जाए। तालियां चाहिए यहां। जब तक इस देश के बच्चे बच्चे में राम नहीं जाग उठेगा तब तक हमारा भारतवर्ष, हमारा विश्व गुरु बनने का सपना थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। और एक बात मैं और कहता हूं कि आजकल के बच्चे ये हमेशा पूछते हैं, इनके मन में बहुत सवाल होते हैं श्री राम के लिए, और हम पेरेंट्स, मैं भी एक 12 साल के बच्चे का पिता हूं, हम शायद जवाब नहीं दे पाते कि राम थे कौन, इतना बड़ा कैरेक्टर, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा महानायक, क्या क्या बोलें राम के बारे में। मुझसे अगर आप पूछें तो मैं कहता हूं राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम का सीधा सा मतलब है दी आइडियल फॉलोअर ऑफ रूल्स। राम इतने कंप्लीट थे, इतने पूर्ण थे कि जो भूमिका उनको दी गई उनके जीवन में, उस भूमिका को उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे विश्वास के साथ निभाया। बेटा हो तो राम जैसा जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। बेटा हो तो कैसा? राम जैसा, एक बार कहा दशरथ ने, और सिंहासन त्याग कर अगली सुबह उनका राज्याभिषेक होना था और शाम को निकल गए वो। पति हो तो राम जैसा जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुर से टकरा जाता है। पति हो तो राम जैसा। और भाई हो तो राम जैसा जिसने
मूर्छित लक्ष्मण के सिरहाने आकर मृत्यु को चुनौती दे दी कि या तो आज मेरा अनुज मेरा लक्ष्मण आंखें खोलेगा या मैं भी यहीं बराबर में आंखें मूंद के हमेशा के लिए सो जाऊंगा। भाई हो तो राम जैसा और राजा हो तो राम जैसा, ऐसा राजा जिसने प्रजा को इतना सुख दिया कि भारत के संविधान के एक पन्ने पर भगवान श्री राम की छवि अंकित है, उनका चित्र बना हुआ है। महात्मा गांधी जैसा अलौकिक पुरुष, युग पुरुष, ये स्वप्न देखता था कि एक दिन इस भारतवर्ष की गली गली, कस्बा कस्बा, नगर नगर, गांव गांव अयोध्या में बदल जाएगा, एक दिन इस भारतवर्ष में राम राज्य आएगा, ये सपना गांधी देखते थे। और मेरे साथियों, देशभक्त हो, पेट्रियट हो तो राम जैसा। अपने बाहुबल से जीती थी भगवान श्री राम ने लंका, लेकिन जब लंका का सिंहासन उनके सामने था और लक्ष्मण ने कहा कि बैठिए, अब तो लंका आपकी है, सोने की लंका आपकी है, भगवान श्री राम ने कहा कि ये सोने की लंका मेरे मन को भा नहीं रही लक्ष्मण, क्योंकि मां और मातृ भूमि से बढ़कर इस दुनिया में कुछ और नहीं हो सकता। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान श्री राम ने कहा था। और पुरुष हो तो कैसा? श्री राम जैसा। पुरुष हो तो श्री राम जैसा, सजे माथे पे चंदन, हे रघुनंदन, हाथ में बाण धनुष हो, पुरुषार्थ तुम्हारा कभी न हारा, तुम तो आदि पुरुष हो। क्या बात है साथियों, आज इस सभागार में, इस थिएटर में और इस पर्दे पर अपने प्रभु श्री राम को, अपने आदि पुरुष को मैं नहीं बुलाऊंगा, आप बुलाएंगे। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, पधारो मेरे राम, पधारो। ओवर टू यू। डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन योर 3D ग्लासेस, ऑफ कोर्स। क्या कहना है श्रवण, क्या कहना है? यहां मैं देखने नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं मैं यहां पे। आई एम कमिंग टू एवरीबॉडी हियर, कैन वी ऑल से जय श्री राम। अगर ये आपको अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित नहीं करता है तो कुछ नहीं कर सकता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आदि पुरुष पधार रहे हैं 16 जून को नजदीकी सिनेमा घर में, ऑफकोर्स। तो दिवाली के जैसा सेलिब्रेशन होगा, पहले से पहले यहां पे कह दूं। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं उन सबको जिन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, एंड दे आर ऑल ब्लेस्ड बिकॉज वो इसको बहुत खूबसूरती के साथ पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और अगेन आई हैव टू इंसिस्ट कि दिस इज गोइंग लाइव अक्रॉस द ग्लोब, 70 countries टू बी प्रिसाइज। भारत को आज इससे ज्यादा और प्राउड होने का क्या मौका मिलेगा? एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत साहब के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हल्ला बनता है। मयूर सर देख रहा हूं मैं, हल्ला बनता है जी। वाओ वाओ, ओम राउत, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैवरिक डायरेक्टर, वेलकम सर। जय श्री राम। कण कण इस समय यहां पे हर किसी का और इस जगह का यही बोल रहा है। सर के बाद यहां पे मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें जिनके लिए हमेशा कहा जाता है ऑडियंस की नब्स को इनको पकड़ना आता है, इन्हें पता है लोगों को क्या चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स हमारे इंडियन सिनेमा के इतिहास के, भूषण कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट अ ब्रेव मैन, वेलकम सर, जय श्री राम। और अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हम सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, उस एक एक इमोशन के साथ जिस तरह इस किरदार को जिया है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कृति सैनन, लेडीज एंड जेंटलमैन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कृति। और अब बारी है उनकी जिनके लिए हम सब आए हैं और जिनके ऊपर श्री राम की बहुत ज्यादा कृपा है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रभास, लेडीज एंड जेंटलमैन।
जय श्री राम भाई। साथी जी पहले लेट द मोमेंट सोक इन, ऑफ कोर्स। अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत संवाद ऑफ कोर्स लिरिक्स के साथ साथ, और हमसे बात कर चुके हैं यहां अभी, मनोज मुंतशिर साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये खूबसूरत टीम ऐसे पूरी नहीं होगी। अभी श्री राम की सेना के कुछ और लोग हैं, उनके कुछ और सेवक हैं जिनको यहां बुलाना चाहूंगा, तो उनके भाई सनी सिंह। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनदर ब्रिलियंट एक्टर, एक एक फ्रेम में जान डालते हुए यहां। और अब बारी है प्रभु राम के सबसे बड़े सेवक को यहां बुलाने की। लेडीज एंड जेंटलमैन, पवन सुत हनुमान की। देवदत्त नागे साहब के लिए जोरदार तालियां। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। And this is it. We proudly present to you the entire team of Adi Purush, ladies and gentlemen. तालियां बजती रहनी चाहिए। ओम सर, एक एक चेहरे पे इस समय जो गर्व दिख रहा है ना, क्या ही कहें। देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो मैंने सुना है हम ध्वज लेके आए हैं उनका स्वागत करने के लिए, एक बार दिखा सकते हैं कहां है वो ध्वज? ध्वज द फ्लैग्स दिख रहे थे ना अभी, अच्छा हटा दिया आपने। ओ वी ऑलरेडी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ पे देख के। अच्छा लगा ट्रेलर। मैं आप सबसे एक ही बोलना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पे आए, हम लोगों को इतना प्यार दिया, और जिस तरह से हमने ये पूरे भक्ति भाव से ये फिल्म बनाई है, उसी तरह से लोग इसे देखेंगे, और इसके जो विविध पहलू हैं, पहली बार बहुत सालों के बाद और हिंदी में पहली बार प्रभु श्री राम की गाथा जो है हमें बड़े पर्दे पर देखने मिलने वाली है, वो भी 3D में देखने मिलने वाली है। तो हमने ये बनाते वक्त बहुत आनंद लिया है। मैं सोचता हूँ और ये समझता हूँ, और मेरी पूरी टीम के एक कैप्टन के तौर पे मैं आप सब से ये कहना चाहूँगा कि हम सबको लगता है कि हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ये फिल्म बनाने में ये प्रभु श्रीराम की गाथा जो है, ये रामायण का ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आदि पुरुष, इसे हमें करने का हमें एक मौका मिला। रामायण की गाथा जो है वो कई सालों से हमारे भारत में चलते आ रही है, विश्व में चलते आ रही है। रामलीला जो है वो हमारे हर गांव में चलती है, रामलीला जो है हमारे हर शहर में चलती है, कई सालों से चलते आ रही है। वो रामलीला का एक एक कलाकार, ये कितने हजारों सालों से ये रामलीला चल रही है, वो रामलीला का एक एक कलाकार, उन्होंने जितनी सालों से मेहनत की है, जितनी सालों से श्रद्धापूर्वक मेहनत की है, वो सब मेहनत, उन सब के लिए मैं ये आदि पुरुष डेडिकेट करना चाहता हूं। जिस तरह से ये रामलीला रामायण सालों से चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है, और आगे वाले अनेक वर्षों तक ये चलती रहेगी। हमें सबको ऐसे लगता है कि ये एक 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 बस है, और ये बस के अंदर आज हम चढ़े हैं, ये बस में हम कुछ साल चलते रहेंगे और फिर हम उतर जाएंगे और फिर और कोई चढ़ेगा, पर ये बस जो है, ये रामलीला का जो ये जो जर्नी है, ये चलती ही रहेगी। जब तक भारत है तब तक हम सब रामलीला विविध रूप में देखते रहेंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आप सब आए, फिर से आपका धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे पापा का सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पापा डिवोशन में बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने, डिवोशन के ऊपर, खुद के ऊपर गाने भी किए हैं,
गाने गाए भी हैं, तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये, क्योंकि मैं मेरे पापा ने वैष्णो माँ पे फिल्म बनाई है, चार धाम पे फिल्में बनाई हैं, बहुत चीज़ों पे फिल्में बनाई, बट जब ओम ने मुझे लॉकडाउन के टाइम पे एक हम फिल्म बनाने की सोच रहे थे तानाजी के बाद, तो ओम ने मुझे बोला, अचानक एक दिन फ़ोन करके बोला मुझे रामायण बनानी है, तो मीन्स मेरे को पापा की डायरेक्शन लगी कि मुझे उसी टाइम उसको हाँ बोल देना चाहिए कि वही ये फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि इतने अच्छे लेवल पे ये फिल्म बनी है, एंड आई एम वेरी वेरी इमोशनल टुडे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे एंड फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज सर, ये वाला आपके लिए, आपने कहा था प्रभु आइए, और जब वो ट्रेलर चला तो यहाँ हम सब ने उनकी प्रेजेंस को फील किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा बाइक ऑन है जी। नितिन, शायद यही जादू है, यही चमत्कार है, यही मिराकल है राम नाम का। ये ट्रेलर चल रहा था और पता नहीं कितनी बार, कितनी अच्छी फिल्में जो भूषण जी ने बनाई हैं, जो ओम ने बनाई हैं, हमने सैकड़ों बार ये मोमेंट्स विटनेस किए हैं कि हाँ, एक अच्छा ट्रेलर हमने देखा और एक यूफोरिया, एक क्रेज लोगों में सुनाई पड़ा, देखने को मिला, लेकिन ऐसा ऐसा प्रताप, ऐसा पुण्य, ये मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। और मैं एक बात समझता हूँ कि हमसे हमेशा कहा जाता है, और ओम से भी और भूषण जी से भी, कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे। मुझे लगता है आज ऑफिशियली हम सबको कुछ भी कहना बंद कर देना चाहिए। आज के बाद जो कहेगा, पहले हमारा ट्रेलर कहेगा और फिर आप कहेंगे, क्योंकि आपने ये ट्रेलर देखा है, आपके अंदर ये बात पहुंची। जय श्री राम। तो साथियों, मैं समझता हूं कि जो 140 करोड़ भारतवासी हैं, अब उनको आदि पुरुष के बारे में बात करनी है, हमारा काम हो गया। हमारा काम ये फिल्म, इसका कथानक, श्री राम का चरित्र पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे डिवोशन के साथ आप तक पहुंचाना था, यहां से आप संभालिए। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। अब मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि देशवासी इसे बहुत अच्छे से संभालेंगे और इसकी सही जगह तक पहुंचाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृति, आपके लिए एक छोटा सा सवाल, मैं ये नहीं कहूंगा आप क्या कहेंगी, मुझे ये बताइए, आपने जिस तरह से उस किरदार को जिया है, जानकी जी का किरदार, और बखूबी निभाया है उसे, जिया है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? जय श्री राम, जय सियाराम। सबसे पहले मैं आज एक्चुअली मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बार ट्रेलर लॉन्च के इवेंट पे मैं आई हूँ, बहुत बार आप सबके सामने इस स्टेज पर खड़ी हुई हूँ, लेकिन आज मैं बहुत इमोशनल थी। हम लोग वहाँ से ये ट्रेलर देख रहे थे और गूज़बम्स थे, एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग थी, क्योंकि ये फिल्म जो है, ये खाली फिल्म नहीं है, ये उससे काफ़ी बढ़कर है हम सबके लिए। और इस फिल्म को बनाते हुए भी जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ओम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जानकी के काबिल समझा, कि आपने, कि आपको आपको ये विश्वास था मुझ पे कि मैं जानकी का रोल निभा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम एक्टर्स होंगे जिनके लाइफ टाइम में उन्हें ऐसा रोल निभाने का मौका मिला होगा। सो आई फर्स्टली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे रिस्पेक्ट से ये रोल निभाने की कोशिश की है मुझे। कई बार होता है आपके किरदार ऐसे होते हैं, ये एक ऐसा किरदार है मेरे लिए, श्रद्धा पहले से तो थी लेकिन फिल्म के दौरान वो श्रद्धा और बढ़ती गई, क्योंकि मैं और इस किरदार को समझती गई, और एक बहुत ही प्योर काइंड सोल, बहुत लविंग हार्ट और एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का जो कॉम्बिनेशन है, मेरे लिए जानकी का किरदार वो था। यहाँ पर वो पोस्टर है नहीं, लेकिन अगर जो आप पोस्टर आया है उसे देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है उसमें पीड़ा है, उसमें दर्द है, उसमें इंतज़ार है, उसमें यादें हैं, लेकिन उसमें डर नहीं है। और उनका जो विश्वास था उनके राघव पर, कि उनके राघव आएंगे, और उस अशोक वाटिका में रहना उस विश्वास के साथ, मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा इमोशन था। एंड पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से मैंने निभाने की कोशिश की है, अपना 200% देने की कोशिश की है, बाकी वो भगवान है, हम इंसान हैं, कुछ अगर भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए। प्रभास सर, राघव जी की बात की, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ईच वन ऑफ अस हियर, क्या कहना चाहेंगे?
जय श्री राम। जय श्री राम। सो या आई शुड थैंक होम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। वी डिड दिस फिल्म विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू। लव यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रभास सर। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। I would say as simple as प्रभु राम। I would say that was so simple but just so from the heart. Thank you. Love you. सनी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर, इस कमाल की टीम के ऊपर? पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, जय श्री राम। बहुत एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, और द होल जर्नी हैज बीन वेरी गुड। एंड थैंक यू ओम सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड हर दिन शूट पे बहुत एक सरियल फीलिंग थी, एक घूसबम्स आते थे, और बहुत इमोशनली जुड़े हैं हम इस फिल्म से। एंड एट द सेम टाइम दिस इज माई फर्स्ट एक्शन फिल्म, एंड आई ऑल्सो डेडिकेट टू माई फादर हु हैज वर्क्ड 35 इयर्स इन द एक्शन इंडस्ट्री। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज थैंक यू, आई लॉस्ट माई मदर लाइक 6-7 मंथ्स बैक, एंड शी यूज टू टेल मी कि तू जब जाएगा तू अपना 100-200% देना। वो बहुत जुड़े हुए थे और वो एक चीज़ है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। अब ये स्टेज पे खड़े हैं तो together we have worked a lot on the film aur har din bahut special tha, and I just say thank you everyone for coming and do watch the film. Bahut bahut dhanyawad sir, thank you so much. Devdutt sir, this is for you. Ye aapke liye hai. Prabhu Ram ka sevak hona apne aap mein bahut badi baat hai. Yahan jis hisab se aapne, yes bilkul banti hai taaliyan, bilkul banti hai, jis khubi ke sath aapne is kirdar ko nibhaya hai, aisa lag raha tha Hanuman ji khud aa gaye hain और हम सबको यू नो प्रेरित कर रहे हैं प्रभु की भक्ति के लिए। क्या कहेंगे? बोलो सियावर प्रभु रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की, बोलो श्री राम लक्ष्मण जान की। मरुचि, मुझे ये आपसे कहना है कि हमेशा लोग बोलते हैं कि सरस्वती माँ कहाँ है, तो आते ही मैंने पहले आपके हाथ देखे और मैंने सरस्वती जी का दर्शन किया। जो अभी जयघोष हुआ प्रभु श्री रामचंद्र का, सीता माँ का, बजरंग बली का, ये जयघोष हमेशा हर रोज जब हमारी शूट स्टार्ट होती थी तो पहले जो कुछ होता था तो वो जयघोष होता था। तो शायद इसी के बदौलत प्रभु रामचंद्र जी वहां थे और मैं जो बजरंग बली के कर्ण उतना भी नहीं हूं पर हमेशा उनको ढूंढता रहता था। कुछ प्रचीति मुझे ऐसी आई कि जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता पर यही बात बोल रहा हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे क्योंकि बजरंग बली जी तो अमर है, वो चिरंजीव है। और मुझे आप सबसे कहना है कि बस आप सब मेरे लिए प्रभु रामचंद्र है और बस मैं बजरंग बली हूं। पर मुझे और एक बात आपसे कहना है कि मुझे यहां सब बजरंग बली दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है क्यों? बताता हूं मैं। बजरंग बली श्री रामचंद्र की जय सेवक थे, बजरंग बली श्री राम जी के दूत थे, वो राम दूत थे। तो हम जो आदि पुरुष यहां पे दिखा रहे, मेरे ये सब भाई लोग, मेरे सब दोस्त, यही संदेशा सबको बताएंगे, इसलिए सब राम दूत है। मेरी पात्रता उतनी भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आके खड़ा रहूं क्योंकि मैं वहां पे था और देख रहा था, मैं प्रभु रामचंद्र जी को देख रहा था, मैं जानकी माँ को देख रहा था, मैं लक्ष्मण भैया को देख रहा था और मैं श्री बजरंग बली जी को भी देख रहा था। बस अभी भी यहाँ पे है वो। बोलो सियावर प्रभु रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की, बोलो श्री राम लक्ष्मण जान की, बोलो हनुमान की। ये सब हमारे लिए पूछना हुआ है भूषण जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। जैसा मैंने कहा आप सब ब्लेस्ड हैं
कि इस संदेश को हर हर किसी तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, इस टीम का हिस्सा हैं, प्रभु राम के सेवक हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगा यहाँ पे। यूवी क्रिएशन से प्रमोद सर इज हियर, प्रमोद सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वामसी सर इफ दे आर हियर, वो प्रोड्यूसर साहब हमारे शिव चानना साहब टी सीरीज से, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। शिव सर थैंक यू सो मच इस नेक कार्य के लिए। नीरज कल्याण साहब हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट टी सीरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन।
That was something, right? 16 June, ladies and gentlemen. And aaj ke liye itna kaafi hai, mujhe lagta hai. Because nahi to phir control nahi ho payega. Hum kahenge puri picture aaj hi dikha dijiye. Adi Purush ke liye zordar taaliyan aur is team ke liye zordar taaliyan. Har ek Ram Bhakt ke liye zordar taaliyan. Thank you so much for being here and being a part of this launch. Thank you so much. बैठ के क्या डंडा लेके दे डंडा अरे हो गया पूरा छोड़ रहे हो चलो भाई हो गया।